नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और बसंत पंचमी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दो दिन के परिश्रम के बाद मेरा स्कल्पचर रेडी हो गया है, अब पेंटिंग की बारी है। पर पेंटिंग से पहले सरफेस को क्लीन करना पड़ रहा है, तो मैं वही कर रहा हूँ। सो मैंने फुल प्रोसेस का रिकॉर्डिंग करना चाहा था, लेकिन जितना रिकॉर्डिंग किया वो सब आउट ऑफ द फोकस था। जब मैंने वीडियो देखा तब कुछ ढंग का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तब मैंने डिसाइड किया डायरेक्ट पेंटिंग ही करेंगे। सरफेस को क्लीन करने के बाद अभी बारी है हमारे फ्लोर को क्लीन करने का। ये हमारे फ्लोर का हालत, इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद ही हम जो शुरू करेंगे। अभी क्लीन हो गया हमारा फ्लोर अच्छी तरह से, तो लेट्स स्टार्ट। पेंटिंग से पहले मैं सरस्वती माता की मृण्मयी प्रतिमा के ऊपर एक बेस लेयर का पेंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चूना। हेल्प करता है पेंट को होल्ड करने में और साइन देने में। हम बेस पेंट के बाद हम व्हाइट कलर साड़ी के लिए और फेस के लिए स्किन कलर का अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दूसरी बार मैं माँ की प्रतिमा को बना रहा हूँ। पिछली बार इतना अच्छा नहीं होता, पर इस बार मैं जितना हो सके उतना अच्छा बनाने के लिए ट्राई करूँगा। देखते हैं कैसे बनता है। तो ये कुछ डिज़ाइन और जो भी माँ का अहंकार है और जो भी डिज़ाइन है वो करने के बाद है ये वाला रिजल्ट। उसके बाद सबसे आखिर में हम बनाएंगे माँ के आँखों को, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और उसको बनाने के लिए भी हमें चाहिए थोड़ी सी पेशेंस। तो अभी बना रहे हैं हम आँखें माँ की, जो थोड़ा डिफिकल्ट तो लग रहा ही है मुझे। हाथों को रेस्ट देने के लिए नहीं है जगह, सूखा नहीं है। तो जैसे भी करके मैंने आँखों को कंप्लीट किया और अभी बालों को कंप्लीट करके आँखों में हाईलाइट दिया, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है माँ की प्रतिमा। तो आप बताइए कैसा लग रहा है। जो मैंने पॉन्ड और लोटस बनाया है उसके ऊपर लोटस के पेटल्स हैं। एक हाथ में माँ ने अक्षय माला को धारण किया है और दोनों हाथ में माँ ने वीणा पकड़ा है और एक हाथ में माँ ने बिंदु को पकड़ा है, जो हमारा मुख्य गायन का स्रोत है। तो फाइनल लुक को थोड़ा देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट करके। जय माँ सरस्वती।